हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकनेस्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड पाकिस्तान सुपर लीग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं मैच नंबर 27 की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी सारी फ्रेश अपडेट्स आप सब तक सबसे पहले पहुंच जाएं। So, let's get started. PSL match number 27, Islamabad United और Lahore Columbus के बीच ये मैच 19 फरवरी को रात 8 बजे से शुरू होगी। वेन्यू की बात करें तो ये मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में खेली जाएगी। पिच रिपोर्ट पे अगर नजर डालें तो इस स्टेडियम की पिच पर टोटल 60 मैचेस खेले जा चुके हैं। हाईएस्ट टोटल रन 375 रही है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 250 रन रही है, लोएस्ट स्कोर 75 रन गई है। एक मैच इस पिच पर टाई हुई है। बैटिंग फर्स्ट में 31 टीम्स ने जीत हासिल की है, वहीं बैटिंग सेकेंड में 28 टीम्स ने जीत हासिल की है। Weather will be approximately 23 degrees and absolutely favorable for the match. अब टीम फॉर्म पे अगर हम नजर डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सीरीज में अब तक 8 मैचेस खेले हैं। नेट रन रेट इस टीम की 0.536 की रही है। 4 मैचेस में जीते हैं, 4 मैचेस में ये हार गए हैं। परफेक्टली बैलेंस्ड पॉइंट्स टेबल पे फोर्थ पोजीशन पे 8 पॉइंट के साथ मेंटेन्ड है। लाहौर कलंदस की बात करें तो 7 मैचेस खेले हैं इन्होंने, नेट रन रेट इनकी 0.785 की है। 5 मैचेस में जीत हासिल की है, 2 में हार गए हैं। पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे 10 पॉइंट्स के साथ मेंटेन्ड है। हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 10 मैचेस में दोनों ही टीम्स की रेशियो गई है 4:1। नाउ मूविंग ऑन विद की प्लेयर्स। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिछली मैच में रहमानुल्ला गुरबाज ने 19 बॉल में 46 रन मारे थे, स्ट्राइक रेट 242.11 की थी। आजम खान ने 45 बॉल्स पे 85 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 188.89 की थी। वहीं मुबस्सिर ने 19 बॉल में 21 रन मारे थे, स्ट्राइक रेट 110.53 की रही थी। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो फहीम अशरफ ने 3 विकेट लिया था, इकॉनमी 8.25 की थी। वकास मकसूद ने 2 विकेट लिए थे, इकॉनमी 8.50 की थी। वहीं मर्चेंट डी लैंजे, वकास मकसूद, आजम खान, लियाम डॉनसन जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने एक एक विकेट ली थी, इकॉनमी 11.67 की थी इनकी। अब प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो रहमानुल्ला गुरबाज, दानिश अजीज, आसिफ अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद मूसा, जाहिर खान, मर्चेंट डी लैंजे, वकास मकसूद, आजम खान, लियाम डॉनसन और मुबस्सिर खान जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जो अगली मैच में खेल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन विद लाहौर कलंदस के की प्लेयर्स। सो पिछली मैच में फखर आजम ने 42 बॉल्स पे 53 रन बनाकर के मैच की ओपनिंग की थी एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 126.19। अब्दुल्ला शफीक ने 20 बॉल में 19 रन मारे थे, स्ट्राइक रेट 95 की थी। वहीं कामरान गुलाम ने 39 बॉल्स पे 55 रन बनाकर के काफ़ी अच्छी मैच खेली थी, स्ट्राइक रेट इनकी 141.03 की थी। टॉप ऑर्डर बॉलर्स की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट लिया था, इकॉनमी 6.75 की थी। डेविड वाइजी ने 2 विकेट लिया था, इकॉनमी 6.25 की थी। प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो फखर आजम, कामरान गुलाम, फिलिप सॉल, डेविड वाइजी, शाहीन अफरीदी, जमन खान, हारिस रॉफ, राशिद खान, हैरी ब्रुक, मोहम्मद हफीज, अब्दुल्ला शफीक जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगली मैच में खेल सकते हैं। नाउ प्रिडिक्शन पे अगर हम बात करें तो सारे ही पॉइंट्स कंसिडर करते हुए प्रिडिक्शन पे बात करें तो लाहौर कलंदस के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। टीम में बहुत पोटेंशियल है, खेली जा रही है, पॉइंट्स टेबल पे भी सेकंड पोजीशन पे लगातार मेंटेन है। सो लाहौर कलंदस के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। टॉस प्रिडिक्शन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीत सकती है, 50-50 चांसेस हैं। तो ये थी PSL मैच नंबर 27 की पूरी डिटेल एनालिसिस और प्रिडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।